तो अब मैं और मस्त जा रहे हैं मेरे कॉलेज फ्रेंड अभिनव के घर और वहीं पे स्टे करने का प्लान है। दो बच्चे हैं मिस्टी के, दो बच्चे हैं उसके, बटुला और एक गुन्नी। कौन आपके बच्चे? क्या नेम है बच्चों का? उसको देख। आपको आती है रोटी बनानी? हाँ बहुत अच्छी बनाती है बेटा। गोल गोल बनाते हो देखना या फ्लैग बनाते हो? तो गाइस हम ऋषिकेश में आ गए हैं और आपको ऋषिकेश का व्यू दिखाते हैं। ये देखो गंगा जी बह रही है और वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लोग गंगा जी में पवित्र स्नान ले रहे हैं और हम यहाँ पे अपने एक्सपर्ट गाइड के साथ, एक्सपर्ट गाइड की बाइक पे, बुलेट पे, और गाइड हमारे साथ स्कूटी पे अपने पापा की। हमें अपनी बुलेट दे के, एनफील्ड दे के, खुद स्कूटी पे जा रहे हैं। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं व्हीकल्स आश्रम फर्स्ट प्लेस एक्सप्लोर करने ऋषिकेश में, जिसको हिंदी में 84 कुटिया भी बोलते हैं। तो अपने गाइड के साथ एक्टिवा पे फॉलो करते हुए उनको चलते हैं। अभिनव चलो कुछ बोलो, चलो फिर 84 कुटिया। ये कौन सी गंगा जा रही है यहाँ से? सीक्रेट रस्तों से लेके जा रहा है हमारा गाइड अभिनव हमें सीक्रेट रस्तों से लेकर जा रहा है। जानकी सेतु ब्रिज पे एंकर कर रहे हैं और हम जानकी सेतु ब्रिज से क्रॉस
आश्रम की तरफ जाएंगे। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं 84 कुटिया, जो कि बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आके हमें पता लगा है और कि भाई इसकी टाइमिंग सी 10 बजे से लेके 4 बजे तक है, और मुस्कान बहुत कोशिश कर रही है कि अंदर हमें जाने, लेकिन गार्ड बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है अंदर जाना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कल या परसों इसको कवर करेंगे विज़िट करके, और घर जाके गाइड को तो बहुत ही पेलेंगे। गाइड कह रहा है कि मैं जुगाड़ लगाता हूँ, जुगाड़ हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, 84 कुटिया आपको बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, देखते हैं गाइड हमें कहाँ लेकर जाते हैं, देखते हैं वहाँ की लोकेशन ना बंद हो। चाबी तो ले लो, ऐसे कैसे चलाएगी तुम्हारे जन्नत दिखाती है। कौन से वाले दिखाओ, यहाँ के कीड़े दिखाओ। ये लीच ये वाले, ये लीच है ना। चलो चलो नेक्स्ट जगह चलो, सीक्रेट वाटरफॉल में कटवाने हो। कटवाने इस ट्रिप पे हम कहीं भी कोई भी जगह एक बारी में नहीं पहुंच पा रहे, दो बारी में। ऋषिकेश भी हम दो बारी में पहुंच पाए हैं। पहले दिन हमने ट्राई किया, हम गए तो रास्ते में पुल टूटा हुआ था, फिर हमने नेक्स्ट डे ट्राई किया, नेक्स्ट डे हम ऋषिकेश पहुंच गए। हम सीक्रेट वॉटरफॉल पे जा रहे हैं, जो कार के फ्रेंड ने सर्च किया है। हम लोग सीक्रेट वॉटरफॉल पे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं इसका रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाते हैं अभी आपको। तो गाइस हम सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, और ये सेकंड पॉइंट है वाटरफॉल, सीक्रेट वाटरफॉल का। यहाँ से आगे हम ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे। तो अभी ना लगभग कितनी ऊपर है यहाँ से सीक्रेट वाटरफॉल? आधा किलोमीटर यहाँ से, हाफ अ किलोमीटर है ऊपर। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं गाइस, आपको दिखाते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू मस्त। हाय मस्क, आपको कैसी लगी ये प्लेस? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो जा रही हूँ, मेरे से तो रुका ही नहीं। ट्रैकिंग करते हुए हम लोग जा रहे हैं थर्ड पॉइंट पे सीक्रेट वाटरफॉल के। मुस्कान की हालत अभी से कैक हो चुकी है ये सीक्रेट वाटरफॉल में जाने के लिए। आधा किलोमीटर दूर है, तो हाफ अ किलोमीटर का ट्रैक है ये बस। ये खतरों के खिलाड़ी वाले लोग आगे से आ रहे हैं। बस अभी ना वो बोर कितना चलना है। जितना ही आगे उतना ही आ रहे हैं। हाय मास्क।
सांड भी नहाने आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइस बहुत मजा आया हमें यहाँ पे वाटरफॉल में नहाकर, हमने बहुत फन किया। और फाइनली यहाँ पर हमारा कट्टा नहीं हुआ, तो गाइड अब थोड़ा सा ही घर जाके पिटेगा। गाइड क्या कर रहे हो आप? पैकिंग कर रहे हो तो हम लोगों को बहुत मजा आया वाटरफॉल पे, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। कहाँ जा रहे हैं हम नेक्स्ट? हम अब जाएंगे कैफे, चलते हैं कोई अच्छे से कैफे लेके जा रहा है अभिनव हमें, और वहाँ पे मस्त हम इवनिंग स्पेंड करेंगे, चिल करेंगे। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग बात हमने गंगा जी में लिया है सीक्रेट वाटरफॉल पे, और मुझे बहुत अच्छी लगी है जगह। मस्त, आपको कैसी लगी? बहुत मजा आया। और अभिनव से पूछने की तो जरूरत ही नहीं है, तो रोज आता है यहाँ पे ये तो यहीं का रहने वाला है, सुबह नहाने यही आता है यहाँ पे। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड ऋषिकेश में बहुत भीड़ है और बहुत जाम लगा हुआ है। हम लोग भी ऑलमोस्ट 6 कैफेज अभी घूम के आए हैं, और जिसमें से फर्स्ट 3 कैफेज में गए थे तो वो फुल थे, फुल पैक थे एकदम। तो हम उसके बाद ओम शांति शांति कैफे में गए, फिर वहाँ पे लाइट चली गई, उसके बाद जहाँ भी एक मंकी कैफे में गए वहाँ भी लाइट नहीं थी, तो उस वजह से फूड सर्व में बहुत टाइम लग रहा था। इसलिए अब हम फाइनली गिवाइन कैफे में आए हैं, गिवाइन होटल रिजॉर्ट एंड स्पा। फाइनली 11-12 कैफेज घूमने के बाद हमें एक जगह पे ये नसीब हुआ है। लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से इतनी भीड़ है ऋषिकेश में, इतनी भीड़ है कि हालत खराब हो चुकी है। आज तो गाइड भी फेल हो गया, गाइड की शक्ल दिखाते हैं आपको। इसने आज अपन बहुत घुमाया। सो गाइस ये नाइट व्यू है जानकी सेतु का, कितना ऑसम लग रहा है। एकदम फुल मून नाइट है आज, आप देख सकते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है गंगा जी का, वो सामने भूतनाथ मंदिर दिखाओ, वो जो रेड रेड चमक रहा है वो भूतनाथ मंदिर है। इसके बारे में भी स्टोरी आपको गाइड से पूछ के हम बताएंगे। और पीछे माउंटेन्स देखो, क्या मस्त व्यू आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।